हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल आज के इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर आप रिटर्न एग्जाम देना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए क्योंकि यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड ए टू जेड चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा तो विदाउट डिले शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे वॉट इज अ कंप्यूटर अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है तो दिया गया है ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू टू इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है बी इनपुट प्रोसेसर सी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डी है ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी ये सभी पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं कंप्यूटर के बारे में सही दिए गए हैं अब यहाँ पे हम कंप्यूटर का एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाई अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम जो किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर प्रोसेस कैलकुलेशन और ऑपरेशन करता है कंप्यूटर कहलाता है सेकेंड देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबलिटीज पिच ऑफ दीज आर वैलिड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या बताना है डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के आधार पर इनमें से कौन सा कंप्यूटर के वैलिड टाइप हैं एनालॉग कंप्यूटर बी डिजिटल कंप्यूटर सी हाइब्रिड कंप्यूटर डी ऑल ऑफ दिस तो आंसर यहाँ पे बनेगा डी ये सभी जो हैं कंप्यूटर के वैलिड टाइप दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर साइज बताइए कंप्यूटर के साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं या कह सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं सेवन फाइव थ्री एंड फोर आपके सामने है राइट right आंसर क्या होगा डी फोर टाइप के होते हैं कंप्यूटर्स कैन जनरली बी कैटेगराइज इंटू फोर मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर साइज पहला है सुपर कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स तो ये फोर मेन टाइप से साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज क्रिएटेड इन पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था ए बी सी और डी ये दिए गए हैं आंसर सोच के बताइए तो आंसर क्या होगा ए 1964 में द फर्स्ट सुपर नोन एज द डेटा नहीं कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन और सी डी सी सिक्स सिक्स जीरो पहला सुपर कंप्यूटर जिसे कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन और सी डी सी सिक्स सिक्स जीरो जीरो के नाम से जाना जाता है इसे नाइनटीन सिक्सटी फोर में कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन के द्वारा कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन में सीमोर क्रे के द्वारा जो है विकसित किया गया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर दिया गया है कहाँ पे विकसित किया गया था नेम दिया गया है किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये भी दिया गया है और पहले कंप्यूटर का नाम क्या है ये भी दिया गया है तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एन एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन विच टाइप ऑफ डेटा एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा पर काम करता है टेक्स्ट फाइल्स एनालॉग डेटा डिजिटल डेटा नन ऑफ दिस आंसर क्या होगा बी एनालॉग डेटा पर एनालॉग कंप्यूटर इज द स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर विच ऑपरेट्स ऑन एनालॉग डेटा एनालॉग कंप्यूटर जो है एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है जो एनालॉग डेटा पर काम करता है एनालॉग डेटा रेफर्स टू कंटिन्यूस डेटा दैट वेर इज ओवर टाइम और स्पेस सच एज वोल्टेज टेम्परेचर प्रेशर और साउंड वेव्स एनालॉग डेटा से जो है रेफर करता है कंटिन्यूस डेटा को जो टाइम और स्पेस के साथ आसानी से चेंज होते रहता है जैसे वोल्टेज टेम्परेचर प्रेशर और साउंड वेव्स, विच कंप्यूटर वर्क्स ऑन डेटा इन जीरोज एंड वन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर जीरो और वन के डेटा पर काम करता है आंसर होगा ए डिजिटल कंप्यूटर जीरो और वन के डेटा पर काम करता है डिटेल में यहाँ पे देखते हैं द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट वर्क्स ऑन डेटा रिप्रेजेंटेड इन जीरोज एंड वन इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर जिस प्रकार का कंप्यूटर ज़ीरो और वन में रिप्रेजेंट किए गए डेटा पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन बाइनरी डेटा डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डेटा पर काम करते हैं जहाँ ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जीरो और वन के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे बाइनरी डिजिट्स या बिट्स के रूप में जाना जाता है पिच टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन हैंडल एनालॉग एज वेल एज डिजिटल डेटा इस प्रकार का कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल डेटा को हैंडल कर सकता है संभाल सकता है तो राइट right आंसर यहां पे बनेगा सी हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है तो ये एनालॉग एज वेल एज डिजिटल डेटा को हैंडल कर सकता है दोनों डेटा पर काम कर सकता है यहाँ पे देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू हैंडल एनालॉग डेटा एज वेल एज डिजिटल डेटा वट इज द नेम गिवन टू यूज कंप्यूटर्स विथ लार्ज कंप्यूटेशन स्पीड्स बड़ी गणना गति वाले विशाल कंप्यूटरों को क्या नाम दिया गया है तो आंसर क्या होगा सी सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो होता है साइज में बहुत बड़ा होता है और इसकी कैलकुलेशन स्पीड जो है यह भी बहुत ज्यादा होती है इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज कंप्यूटर में डेटा को अलग अलग सिग्नल के रूप में दर्शाया जाता है करेक्ट आंसर क्या बनेगा बी डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को अलग अलग सिग्नल के रूप में दर्शाया जाता है जैसे जीरो और वन के फॉर्म में पिच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक टाइप नहीं है ए बी सी और डी आपके सामने है बताइए आंसर क्या होगा सी लॉजिकल कंप्यूटर कंप्यूटर का एक टाइप नहीं है पी सी वर्क स्टेशन सुपर कंप्यूटर ये सभी कंप्यूटर के टाइप हैं यहाँ पे डिटेल में देखिए अमंग द गिवेन ऑप्शन लॉजिकल कंप्यूटर इज नॉट अ रिकोगनाइज टाइप ऑफ कंप्यूटर दिए गए विकल्पों में से लॉजिकल कंप्यूटर कंप्यूटर का एक वैलिड टाइप जो है नहीं है पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है वर्क स्टेशन टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक टाइप का पावरफुल कंप्यूटर को रेफर करता है सुपर कंप्यूटर इज द कैटेगरी रिप्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सुपर कंप्यूटर जो होता है ये सबसे बड़ा होता है सबसे पावरफुल कंप्यूटर है सबसे फास्ट काम करता है और सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर को ही कहा जाता है दीज आर ट्रू सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ए इट इज यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च बी इट हैज़ वेरी हाई कंप्यूटेशन स्पीड सी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव डी है ऑल ऑफ दिस तो आंसर आप सही सोच लिया होगा आपने क्या होगा डी आपने बिल्कुल सही सोचा है सुपर कंप्यूटर को हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं इसकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत हाई होती है जनरल पर्पस कंप्यूटर के कंपैरिजन में और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन हैंडल हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली ट्रू फॉल्स आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर बताना है क्वेश्चन है मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों या हजारों यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं तो आंसर क्या होगा ए ट्रू ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर पिच कैन हैंडल मेनी यूजर्स साइमल्टेनियसली एंड कैन प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक साथ कई यूजर्स को हैंडल कर सकता है और एक ही समय में कई थ्रेड को प्रोसेस कर सकता है पिच ऑफ दिस डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम इनमें से कौन सा एक ही समय में एक से अधिक यूजर का समर्थन नहीं करता है सपोर्ट नहीं करता है तो कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो एक समय में मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट नहीं देता है तो आंसर बनेगा बी वर्क स्टेशन कंप्यूटर इसी सेम क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर्स कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा क्लास एक साथ एक से अधिक यूजर्स का समर्थन नहीं कर सकता है दिया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स, डी है ऑल ऑफ देम कैन सपोर्ट यानी कि ये सभी सपोर्ट कर सकते हैं आंसर बनेगा सी माइक्रो कंप्यूटर्स ये एक समय में मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर ठीक है पिच इज ट्रू फॉर द डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे बताना है कि डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है तो क्या करके रीड करते हैं हम लोग ए इट इज लेस एक्यूरेट देन द एनालॉग कंप्यूटर ये एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में कम एक्यूरेट होता है बी इट रिप्रेजेंट्स द डेसिमल नंबर थ्रू आ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट ये बाइनरी डिजिट की एक स्ट्रिंग के माध्यम से डेसीमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है सी है इट इज़ यूज प्राइमरली इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस इनका यूज़ मुख्य रूप से जो है साइंटिफिक एप्लीकेशन में किया जाता है डी है बोथ ए एंड सी बताइए कौन सा स्टेटमेंट डिजिटल कंप्यूटर के बारे में सही दिया गया है तो आंसर होगा बी इट रिप्रजेंट्स द डेसिमल नंबर्स थ्रू आ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स यानी कि ये बाइनरी डिजिट की एक स्ट्रिंग के माध्यम से डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है ये बिल्कुल सही दिया गया है आगे देखिए व्हाट इज मींट बाय आ डेडिकेटेड कंप्यूटर डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या समझते हैं क्या तात्पर्य है तो ए बी सी और डी दिया गया है जो आपको रीड करना है हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं बी होगा कंप्यूटर असाइंड वन टास्क एट अ टाइम कंप्यूटर को एक समय में एक टास्क असाइन किया जाए ऐसे कंप्यूटर को डेडिकेटेड कंप्यूटर कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज इन विच ऑफ दिज सेक्टर्स बताइए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ इनमें से किस क्षेत्र में किया जाता है दिया गया है बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर हेल्थ सेक्टर ऑल ऑफ दिस तो आंसर क्या बनेगा डी इन सभी सेक्टर्स में हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंकिंग हेल्थ गवर्नमेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा सेक्टर में वेदर फोरकास्टिंग कैन बी डन यूजिंग डैश मौसम को फोरकास्ट इनमें से किस कंप्यूटर का यूज करके किया जा सकता है तो आंसर बनेगा सी सुपर कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर यहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में ए बी सी और डी दिया गया है बताना है कि कौन सा सही है तो आंसर बनेगा बी रिजम्बल्स बोथ आ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर एक हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसा दिखता है क्योंकि हमने आपको बताया कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को हैंडल करता है दोनों डेटा पे काम करता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों की तरह दिखता है इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट को सबसे पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट इज़ डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म आउटपुट डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले होता है सी है इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट को कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है डी है ऑल ऑफ दी एवफ बताइए सही आंसर क्या होगा सी इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट को कभी भी डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित नहीं किया जाता है पिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर ए बी सी और डी स्टेटमेंट दिए गए हैं बताइए मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कम्प्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो एक बार रीड कर लेते हैं आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा ताकि टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तेज काम करता है माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर यहाँ पे ऑपोजिट दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में, में, में तेज काम करता है सी है स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज द सेम दोनों कंप्यूटर का स्पीड सेम है डी है द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस्ड इन दोनों कंप्यूटर की स्पीड की तुलना एडवांस्ड कंप्यूटर की स्पीड से नहीं की जा सकती है तो हमें बताना है कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ए होगा मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले तेज काम करता है फास्ट काम करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है पीडीए स्टैंड्स फॉर पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है देखिए फिर बताइए आपने बिल्कुल सही सोचा है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और पीडीए इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे कहीं भी कैरी किया जा सकता है फॉर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन इसे पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है द फर्स्ट पी डी ए न्यूटन मैसेज पैड ये पहला पी डी डेवलप किया गया था एप्पल एंड इंट्रोड्यूस्ड इन in 1992 एंड अवेलेबल इन 1993 यानी कि इसे पेश किया गया था 1992 में लेकिन ये अवेलेबल हुआ था 1993 में यहाँ पे देखिए पी डी एज आर यूज फॉर वेब ब्राउजिंग एप ऑफिस एप्लीकेशन वॉचिंग वीडियोज़ फोटो व्यू करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स की तरह पी को इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे इसका किस किस के लिए चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये भी मेंशन किया गया है तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि सिंपली एग्जाम में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज स्पीड ये डिफाइन कीजिए तो ये सारे पॉइंट्स सा आप लिख सकते हैं वहां पे आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले आगे बढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ एनालॉग कंप्यूटर किसकी सप्लाई पर काम करता है तो फटाफट से रीड कीजिए आंसर क्या होगा ए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस यहां पे देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क ऑन द कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस एंड डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क ऑन द डिस्क्रिट इलेक्ट्रिकल पल्स यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल पल्स पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करता है डिस्क्रिट इलेक्ट्रिकल पल्सेस तो दोनों आप याद रखिएगा यहाँ पर देखिए एनालॉग कंप्यूटर नीड टू प्रोसेस फिजिकल क्वान्टिटीज सच एज टेम्परेचर प्रेशर स्पीड एक्सेट्रा एनॉलॉग कंप्यूटर को टेम्परेचर प्रेशर इस्पीड आदि जैसे फिजिकल क्वांटिटी को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है इसकी नीड पड़ती है द कम्प्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया है अलग तरीके से पूछा गया था लेकिन मीनिंग यहाँ पर वही बनेगा आंसर वही बनेगा हाइब्रिड कंप्यूटर होगा वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है देखिए एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड आर द थ्री क्लासेस ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द वर्क और प्रिंसिपल ऑन विच कंप्यूटर वर्क समझ में आया एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर कंप्यूटर के तीन क्लास है जो कंप्यूटर के वर्क या प्रिंसिपल पर आधारित है हाइब्रिड कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म बोथ द टास्क ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एज वेल एज डिजिटल कम्प्यूटर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो जाहिर सी बात है दोनों टास्क यह कर सकता है दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन एयरक्राफ्ट हॉस्पिटल्स वेयर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज एंड कन्वर्टिंग दैम इन टू डिजिटल डेटा टू एनालाइज इज रिक्वायर्ड क्या कह रहा है इन कंप्यूटर का यूज एयरक्राफ्ट हॉस्पिटल्स में किया जाता है जहाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना होता है और उन्हें एनालाइज करने के लिए डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने की नीड होती है वहाँ पे हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं पिच ऑफ दीज इज़ अ फीचर ऑफ़ मिनी कंप्यूटर इनमें से कौन सी मिनी कंप्यूटर की विशेषता है ए सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स इट हैज़ लो वेट इट कैन बी कैरीड एनी वेयर डी है ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा मिनी कंप्यूटर जो होता है ये मल्टीपल यूज़र को सपोर्ट करता है लो वेट होता है यानी कि इतना भी ज़्यादा वेट नहीं होता है कि आप इसे कहीं पे ले जा नहीं सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो आप कैरी कर सकते हैं हाँ वेट माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले में ज़्यादा होता है लेकिन आप चाहे तो इसे कैरी कर सकते हैं र ऑल्सो कोल्ड called डीओ को और क्या कहा जाता है तो आंसर बनेगा डी हैंड हेल्ड तो ये याद रखिएगा यहां पे देखिए पीडीएस आर ऑल्सो कोल्ड एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है दे आर स्मॉल एंड कैन बी carried एनी वेयर ये स्मॉल होते हैं इन्हें कहीं पे भी ले जाया जा सकता है वर्क स्टेशन जनरली कम विथ अ वर्क स्टेशन आमतौर पर किसके साथ आते हैं ए बी सी और डी दिया गया है आंसर क्या होगा सी हाई रेजुलेशन ग्राफिक्स स्क्रीन के साथ वर्क स्टेशन कंप्यूटर आते हैं इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वर्क स्टेशन जनरली कम विथ अ लार्ज हाई रेजुलेशन ग्राफिक्स स्क्रीन लार्ज अमाउंट ऑफ रैम इन बिल्ड नेटवर्क सपोर्ट एंड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन सभी चीजों के साथ एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर आता है इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए पिच ऑफ दीज इज सिंगल यूजर कंप्यूटर विथ ह्यूज रैम एंड एडेड ग्राफिक्स इनमें से कौन सा एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसमें विशाल रैम और अतिरिक्त ग्राफिक्स है तो आंसर क्या बनेगा बी वर्क स्टेशन इसका आंसर पीसी क्यों नहीं हो सकता है डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं सारी चीजें क्लियर हो जाएगी टर्म वर्क स्टेशन रेफर करता है सिंगल यूजर कंप्यूटर को विथ हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट रैम एंड एडेड ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज। वाइल सुपर कंप्यूटर्स ऑल्सो हैव लार्ज रैम एंड पावरफुल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। जबकि सुपर कंप्यूटर में भी लार्ज रैम होता है और पावरफुल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है दे आर टिपिकली नॉट सिंगल यूजर सिस्टम सुपर कम्प्यूटर जो है ये सिंगल यूजर सिस्टम नहीं है आप ऐसे कह सकते हैं कि मल्टी यूजर सिस्टम है इसमें मल्टीपल टास्क किए जा सकते हैं अब आंसर पी सी क्यों नहीं हो सकता था पर्सनल कंप्यूटर स्कैन ओल्सो है लार्ज रैम एंड एडेड ग्राफिक्स पर्सनल कंप्यूटर और पी सी में बड़ी रैम और एडेड ग्राफिक्स भी हो सकती है लेकिन बट दे आर नॉट यूजली कंसिडर्ड टू बी इन द सेम परफॉर्मेंस क्लास एज वर्क स्टेशन और सुपर कम्प्यूटर लेकिन इन्हें आमतौर पर वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर के समान परफॉर्मेंस क्लास में कंसिडर नहीं किया जाता है क्लियर है चलिए डैश कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी इनमें से कौन सा कम्प्यूटर स्पीड और स्टोरेज क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से निचले स्तर तो के, के होते हैं तो कंप्यूटर का नेम है सुपर कंप्यूटर मिनी मेन फ्रेम्स हाइब्रिड आंसर क्या बनेगा बी मिनी कंप्यूटर स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से लोअर कैटेगरी के होते हैं आ वर्क स्टेशन कैन बी यूज इन रिच ऑफ दीज फील्ड्स वर्क स्टेशन का यूज़ इनमें से किस फील्ड में किया जाता है अब तक हमने वर्क स्टेशन के बारे में कई सारी चीज़ें डिस्कस की डिटेल में डिस्कस कर लिया है अब बताइए किस फील्ड में इसे हम इस्तेमाल करते हैं फील्ड का नाम है ए डेटा एनालिसिस बी, एडिटिंग सी कैड डी है ऑल ऑफ दिस तो आंसर बनेगा डी इन सभी फील्ड में एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज़ किया जा सकता है देखिए द वर्क स्टेशन कैन बी यूज इन डेटा एनालिसिस एनिमेशन कैड जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा इन सभी फील्ड में आप एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे देखिए अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज आ डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी के रूप में भी जाना जाता है तो करेक्ट आंसर बी होगा वट डज आप पी सी स्टैंड फोर पी सी की फुल फॉर्म क्या है पी सी का मतलब क्या है तो आंसर क्या होगा सी पर्सनल कंप्यूटर नोटबुक लैपटॉप पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश कंप्यूटर यहां पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर के नेम है नोटबुक लैपटॉप पाम हैंड हेल्ड बताना है कि ये सभी कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की किस कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी का नाम है डिजिटल कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर तो आंसर क्या होगा पोर्टेबल कंप्यूटर में ये सभी आते हैं पोर्टेबल का मतलब क्या होता है ऐसे डिवाइस जिसे कैरी करना इजी हो तो आप नोटबुक कंप्यूटर को कर सकते हैं लैपटॉप को कर सकते हैं पाम को कर सकते हैं हैंड हेल्ड को भी कर सकते हैं तो आंसर सी बनेगा आगे देखिए अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज़ एक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में एक्सट्रीमली हाई स्पीड होती है बी है लार्ज मेमोरी है सी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एरे होते हैं डी है ऑल ऑफ दी तो आंसर क्या होगा D, एक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में ये सारी चीजें होती हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है देखिए डैश कंप्यूटर इज स्मॉल जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर स्मॉल जनरल पर्पज़ माइक्रो कंप्यूटर है लेकिन पोर्टेबल कंप्यूटर से बड़ा होता है तो आंसर यहाँ पे सी होगा डेक्सटॉप डेस्कटॉप जो है ये एक स्मॉल जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है जो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है लेकिन पोर्टेबल कंप्यूटर से बड़ा होता है यहाँ पे इनमें से हम पोर्टेबल कम्प्यूटर किसे मानेंगे तो लैपटॉप को मानेंगे डेस्कटॉप को नहीं मानेंगे क्योंकि लैपटॉप यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कहने का मतलब ये है कि अगर कैरी करना हो तो लैपटॉप ज़्यादा इजी है करना डेस्कटॉप के मुकाबले हालांकि आप डेस्कटॉप को भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा तो डिफिकल्टीज होता है लैपटॉप के मुकाबले ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है द कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर इज डैश वह कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह लैपटॉप कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर है नोटबुक कंप्यूटर है नन ऑफ दिस है आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं